हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो होगा आपका रैंकिंग टेस्ट। ओके, तो रैंकिंग टेस्ट की हम बात करेंगे यार। रैंकिंग टेस्ट ओके, यानी कि क्रम परीक्षण। क्या पढ़ना है हमें? क्रम क्रम परीक्षण पढ़ना है। ओके, तो क्रम परीक्षण पढ़ने के लिए इसकी कुछ बेसिक बातें सीखेंगे और उनको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसकी हम बेसिक बातें जानते हैं। और क्या होता है क्रम परीक्षण, सबसे पहले वो सीखना है। ओके, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ओके, चलिए तो देखिए, रैंकिंग टेस्ट यानी कि आप जानते हैं कि क्रम परीक्षण होता है इसका मतलब, ठीक है। और क्या समझना है इस चैप्टर में हमें सबसे पहले आज, और आज क्या समझना है इस वीडियो में? तो आज हमें समझना ये है कि मान लीजिए आपके सामने थोड़ा छोटा सा उदाहरण, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी है। और मैंने कहा कि इससे भी पहली बात, ये इसको भी थोड़ा सा दरकिनार करिए, इससे भी पहली बात आप जानते हैं कि ये मेरा दायां है, ओके, और ये मेरा बायां है, ओके। तो मैंने कहा, आप जानते क्या है कि ये दाएं की ओर से, क्या कहा मैंने, सॉरी बाएं की ओर से, ये क्या है बाएं की ओर, बाईं ओर से, क्या कहा बाईं ओर से, ये क्या है बाईं ओर से, एक मिनट। बाईं ओर से क्या है, बाईं ओर से है ये, क्या है ये है बाईं ओर से, ठीक। ये क्या हो गया बाईं ओर से, ठीक। कोई कहे दाईं ओर से, दाईं ओर से कैसे होगा, इधर से, ये क्या हुआ आपका दाईं ओर से, दाईं ओर से क्या हुआ, ये दाईं ओर से, ठीक, क्या हो गया दाईं ओर से हो गया। ओके, ये दो बात समझने के बाद अब आते हैं इस पे। ओके, मैंने कहा कि जो क्यू है, क्या कहा, जो क्यू है वो बाईं ओर से, मैंने कहा कि जो क्यू है वो बाईं ओर से कितने नंबर पे है, दो नंबर पे है या दूसरे क्रम में है, ठीक। बाईं ओर से कहा, क्या कहा, बाईं ओर से दूसरे पे है, बाईं ओर से दूसरे पे, क्या कहा दूसरे पे, ठीक। फिर मैंने कहा कि क्यू, पहले मैंने कहा कि क्यू बाईं ओर से दूसरे नंबर पे है और फिर कह रहा हूं कि क्यू दाईं ओर से चौथे नंबर पे है, दाईं ओर से चौथे नंबर पे है। एक बार फिर सुनिए, क्या कहा, क्यू जो है वो बाईं ओर से, बाईं ओर से, बाईं ओर से कितने पे है, दो पे है, और ये क्यू दाईं ओर से चौथे नंबर पे है। तो अब हमें इसमें बताना क्या है कि ये एक पंक्ति ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, पांच लोग लीजिए, एक पंक्ति में क्यू बाईं ओर से दूसरे नंबर पे है और दाईं ओर से चौथे नंबर पे है, तो बताना ये है कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, प्रश्न ये है। ओके, तो हमें बताना है कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, टोटल बताना है हमें, टोटल, क्योंकि हम अभी तो जानते हैं कि ये पी क्यू आर एस टी पांच लोग हैं, ओके, पांच लोग हैं, लेकिन एक समझने के लिए तो हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि मैं आगे से दसवें पे हूं और पीछे से बारहवें क्रम में हूं, तो उस पंक्ति में
हम लोग कितने आगे या पीछे लोग कितने लोग हुए, वैसा ही ये वाला प्रश्न है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। अब देखिए, अब ये लेफ्ट राइट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये माइनस वन क्यों किया गया, थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में समझ लेते हैं कि माइनस वन क्यों किया गया। अब माइनस वन इसलिए किया जाता है कि हम ये जो क्यू है ना, ये क्यू इसको हमने दो बार गिना, कैसे कि क्यू बाई ओर से दूसरे स्थान पे है और क्यू दाई ओर से चौथे स्थान पे है, यानी कि दोनों तरफ से गिना गया, तो इसको एक बार हमें घटाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे, तो लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट से है आपका दो, और राइट से क्या है, राइट से है आपका चार। ओके, फिर कर देते हैं माइनस वन, ठीक है। इसके बाद चार दो छह माइनस वन और पांच, यानी कि पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, पांच लोग हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि पांच हैं, एक दो तीन चार पांच। ओके, लेकिन जब बड़ा प्रश्न आएगा तो उसमें पता थोड़ी ना होगा, तो उसके लिए तो मेन बात यहां से क्या निकलती है कि अगर हमें टोटल निकालना है किसी भी पंक्ति का, कब निकलेगा टोटल, जब किसी व्यक्ति का हमें लेफ्ट से क्रम उसका पता हो और राइट से पता हो, ठीक है, लेफ्ट से पता हो और राइट से उसका दोनों तरफ से क्रम हमें पता हो, तो हम उसका टोटल निकाल सकते हैं। ओके, तो पहला जो फॉर्मूला बना आपका वो क्या बना, टोटल निकालने का, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, क्या बना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ओके, ये पहला फॉर्मूला ठीक है। अब मान लीजिए कंडीशन दूसरी आ गई, अब कि आपको एक पंक्ति में, पहली कंडीशन ये थी कि ये पहली कंडीशन है टोटल निकालने की, ठीक, ये पहली कंडीशन। ओके, दूसरी कंडीशन ये आ जाएगी आपके सामने कि आपको टोटल पंक्ति में जितने लोग हैं उनकी संख्या दी हुई होगी, ठीक, और किसी एक व्यक्ति का उसका या तो लेफ्ट से क्रम पता होगा या तो राइट से पता होगा। क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए, किसी भी ऐसे सवाल में जिसमें आपको क्या दिया होगा, टोटल, यानी कि उस पंक्ति में एक पंक्ति हो गई, इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या दी हुई होगी, यानी कि एक्स मान लीजिए। ओके, इसके बाद एक कोई व्यक्ति है ए, इसकी जो राइट से क्रम है वो दिया है कितना, सात। ओके, तो इस ए की लेफ्ट से वैल्यू निकालना है, यानी कि वैल्यू क्या, किस क्रम में है ए। ओके, तो इस तरह के कंडीशन में हम जो सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर हमें लेफ्ट से किसी की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट से मान निकालना है उसका, तो लेफ्ट से हो जाएगा टोटल प्लस वन माइनस राइट, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा मान लीजिए लेफ्ट से दी हुई है, राइट से निकालना है, तो क्या करते हैं, राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट, यानी कि दी हुई कुल संख्या में एक जोड़ करके जिधर से भी साइड दी हुई है उसको घटा देना है, तो हमें दूसरे साइड की क्रम पता चल जाएगा। ये इनका ये तीन फॉर्मूला है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला, जब हम पढ़ते हैं तो इनको हमें, और इन्हीं से प्रश्न आज की क्लास में बनने वाले हैं, इन तीन फॉर्मूला के बिहाफ पे। ओके, चलिए आगे, तो
ये पहली बात आपको कि आपको दाएं से बाएं से ये जानकारी होनी चाहिए कंफर्म तरीके से कि तीर किधर से कहां तक है। तो ये है आपका बाई ओर से, ओके। और ये है आपका दाई ओर से, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ओके, थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान देना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब थोड़े से प्रश्न कर लेते हैं क्या। आपको पहला टोटल निकालना तो आ गया समझ में, थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास टोटल की संख्या दी हुई है, टोटल एक पंक्ति में 40 लोग टोटल हैं, 40 लोग टोटल हैं, और राम की लेफ्ट से जो क्रम है, लेफ्ट से यानी कि बाई ओर से राम, बाई ओर से अह 13वें नंबर पे है, ओके, 13वां है। तो राम दाई ओर से किस क्रम में होगा? एक पंक्ति में कुल 40 लोग हैं और राम की जो पोजीशन है वो बाई से 13वां है, तो हमें बताना क्या है कि राम की दाई से पोजीशन हमें बताना है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि टोटल में प्लस एक जोड़ के, अब सीधा सीधा आपको अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है और आपको याद होना भी चाहिए, ओके। अगर आपको पहला फॉर्मूला भी याद है तो ये दोनों आप उससे बना सकते हैं, ओके। तो मान लीजिए आपको पहला फॉर्मूला याद है, क्या है पहला फॉर्मूला? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ओके। अब हमें निकालना क्या है कि आप या तो इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं, इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट रख सकते हैं, या आपको अगर नहीं रखना है तो आप अलग कर लें। हमें निकालना क्या है? दाएं से यानी कि राइट से। तो राइट इक्वल टू, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा टोटल प्लस वन, इसको इधर पूरा लाएंगे और इसको जो इसका जो लेफ्ट है इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में यानी कि L, ओके। तो टोटल कितनी है? 40 संख्या है, प्लस वन माइनस लेफ्ट से कितना है? 13वां। लेफ्ट से कितना है? 13वां। तो ये हो गया आपका 41 माइनस 13, 41 माइनस 13 तो कितना हो गया, और ये हो गया आपका 2। यानी कि राम की दाईं ओर से जो पोजीशन होगी वो 28वीं होगी, 28वीं राम की दाईं ओर से पोजीशन होगी, ओके। तो आप इस तरह से सवाल को टैकल कर सकते हैं, ओके। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि इन अ क्लास यानी कि एक कक्षा में राहुल श्रेंक, राहुल की रैंक है फ्रॉम द, कहां से है? टॉप,
राहुल श्रैंक फ्रॉम द टॉप। अब देखिए एक चीज और, इसमें आपसे टॉप बोले या बॉटम बोले, यानी कि ऊपर से बोले या नीचे से बोले, ठीक, दाएं से बोले या बाएं से बोले, ओके, आगे से बोले यानी कि इन फ्रंट या पीछे से बोले बैक, तीनों का एक ही मतलब होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। जो तीनों चीजें अलग अलग मैं बता रहा हूं उनका केवल और केवल एक ही मतलब, एक ही फॉर्मूला और कुछ नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इन अ क्लास राहुल रैंक फ्रॉम द टॉप, यानी कि एक कक्षा में राहुल का जो क्रम है, रैंक है, वो किस नंबर पे है, कहां से, ऊपर से, टॉप से, तो किस पे है वो है आपका 19वें नंबर पे। किस नंबर पे है, 19वें में, ओके। और टोटल बच्चे हैं उस पे, टोटल बच्चे हैं 99, ओके। हमें बताना क्या है, राहुल रैंक, From the bottom। ये प्रश्न बन गया ना आपका, ओके। राहुल रैंक फ्रॉम द टॉप 19 एंड टोटल बच्चे इन अ क्लास कितने हैं आपके 99 एंड राहुल रैंक फ्रॉम द बॉटम यानी कि नीचे से राहुल का क्रम हमें बताना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। हमें निकालना कहां से, बॉटम। तो आप यहां पे लेफ्ट राइट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट राइट की जगह से आप लिख सकते हैं टॉप और बॉटम, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं लेफ्ट राइट की जगह पे टॉप और बॉटम, ओके। इसके बाद इस पे हम रख देते हैं सीधा, क्या इधर उधर करना, ओके। टोटल है आपके 99, ओके, और टॉप से है 19 एंड बॉटम से हमें निकालना है, और ये है आपका माइनस वन, तो माइनस वन इधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 90, इसको कर देते हैं माइनस वन, तो इधर आएगा प्लस वन हो जाएगा, प्लस 19 प्लस बॉटम, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 19 इक्वल टू बॉटम, यानी बॉटम से जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, बॉटम से जो संख्या निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 81वीं, यानी कि राहुल की जो नीचे से रैंक है वो 81 है, क्या है, 81 रैंक पे है वो, ठीक। इस बात को आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपको फॉर्मूला एक याद रखना है, उसी में सारी चीजें निहित है, ओके। चलिए आगे की कुछ बात कर लेते हैं हम इसके, देखिए आगे का प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। इन अ क्लास राहुल्स रैंक, इन अ क्लास राहुल्स रैंक फ्रॉम द टॉप कितनी है, 91।
ओके एंड राहुल रैंक फ्रॉम द बॉटम वो कितनी है 91। ओके तो हमें टोटल बताना है, टोटल बताना है क्लास में कितने बच्चे। एक कक्षा में राहुल की रैंक ऊपर से 91 है और राहुल की रैंक कहां से फ्रॉम द बॉटम 91 है। ओके अब इसको अगर निरूपित करके देखेंगे थोड़ा सा ओके निरूपित करते हैं। क्या ऊपर से राहुल की रैंक कितनी है 91। ओके नीचे से ये है कह रहा है नीचे से ठीक है राहुल की रैंक कितनी है 91। तो हमें ये बताना है कि इस पूरे लाइन में कितने बच्चे हैं, ये बताना है। सवाल समझ में आया? चलिए सवाल क्या है, टोटल हमें बताना है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। टॉप कितना है 91 प्लस बॉटम 91 माइनस वन। एक सौ इक्यासी यानी कि टोटल बच्चे इस लाइन में 181 है। कितने हैं 181 बच्चे हैं। आपको बातें मेरी समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल से कॉन्सेप्चुअल वे में मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको और काफी हद तक बिल्कुल सरल भाषा में बताने की कोशिश एकदम कर रहा हूं मैं। ओके चलिए और देख लेते हैं एक प्रश्न। इन अ रो यानी कि एक पंक्ति में ओके सोनोज रैंक फ्रॉम द राइट कितनी है 102। ओके एंड सोनोज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट कितनी है एक बार देख लूं 1101। ओके और ये है आपका 102। इतनी है ओके। इसके बाद टोटल पूछा होगा, फिर पूछा गया है टोटल, हमें टोटल बताना है इन अ रो, हमें पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं ये हमें बताना है। ओके तो चलिए देखते हैं। तो टोटल का सूत्र आपको पता है, टोटल का फार्मूला पता है, क्या होता है कि टोटल बॉटम प्लस टॉप माइनस वन या लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल या बैक प्लस इन फ्रंट माइनस वन इक्वल टू टोटल हो गया 3। ओके कुछ भी गए, यहां पे दिया है लेफ्ट राइट, यहां पे दिया था टॉप बॉटम या आगे दिया होगा आपका इन फ्रंट और बैक यानी कि आगे और पीछे, कुछ भी हो आपको उसी हिसाब से देख लेना है। ठीक तो
टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ओके, लेफ्ट कितना है 111,101 प्लस 102 माइनस वन, 3021 माइनस वन, तो 1202। एक पंक्ति में 1202 लोग हैं, क्या है एक पंक्ति में 1202 लोग हैं, कितने हैं 1202 लोग। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या आपको बता रहा हूं। ओके, और भी देख लेंगे कुछ जो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए एक थोड़ा सा अलग टाइप का। मान लीजिए कोई व्यक्ति या महिला रीता है। ओके, रीता, ठीक। कहा गया है कि एक पंक्ति में 51 लोग हैं, कितने लोग हैं 51, ठीक। थोड़ा समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, एक पंक्ति में 51 लोग हैं और रीता की जो पोजीशन बताई गई है, वो ठीक बीच में है, ठीक बीच। क्या एक पंक्ति में कुल कितने लोग 51 लोग हैं, उनमें से एक रीता है। ओके, और रीता की जो पोजीशन बताई गई है उस पंक्ति में, वो बताई गई है ठीक बीच। और एक बात बताइए यार, आप ठीक बीच किसका निकाल सकते हैं, क्या सम संख्या का या विषम संख्या का? क्या आप पांच, इन पांच में बता सकते हैं कि ठीक बीच में कौन है? बिल्कुल, ये आपका ठीक बीच में है। ओके, यानी कि हम ठीक बीज किसका निकाल सकते हैं, विषम संख्या का ठीक बीज निकाल सकते हैं। ओके, हम सम का नहीं निकाल सकते, क्या इसका बता सकते हैं ठीक बीज क्या होगा? ठीक बीज नहीं बता सकते। ओके, लेकिन हम इनका बता सकते हैं कि ठीक बीज में ये वाली उंगली है। ओके, अब तो पूछा क्या है सवाल में, एक बार फिर सुनिए कि एक पंक्ति में कुल 51 लोग हैं और उनमें से रीता है जो एक लड़की, उसका पोजीशन जो है, उसकी पोजीशन वो ठीक बीच में है, तो रीता का हमें लेफ्ट से बताना है और रीता का हमें राइट से पोजीशन बताना है, तो देखिए क्योंकि रीता जो गिनी जाएंगी वो दो बार गिनी जाएंगी, आपको पता है ना, अगर लेफ्ट से भी हम गिनेंगे रीता को और राइट से भी गिनेंगे तो दो बार गिनी जाएंगी। ओके, लेकिन यहां पे जो संख्या है उसको केवल एक ही बार गिना गया है, यानी कि रीता को एक ही बार लिया गया है और यहां पे दो बार
लेफ्ट और राइट से लिया जाएगा ना, तो ठीक, यानी कि एक बार एक्स्ट्रा लिया जाएगा, हम इसको 51 + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 52, यानी कि 52 हो गया। ओके, 52 में, 52 यानी कि अब 52 वो संख्या हो गई जिसमें रीता लेफ्ट से भी है और राइट से भी है, ठीक है। तो हमें इसका ठीक बीज बताना है, और ठीक बीज हम किनका बता सकते हैं, विषम संख्या का, यानी कि अगर ठीक बीज हमें बताना है तो ये हो गया इधर से 26 और इधर से 26। ओके, यानी कि 26 इधर से राइट से और 26 आपका लेफ्ट से हो गया, ठीक, और टोटल आपके 51 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, समझने वाली बात थी और कुछ नहीं इस पे। ओके, चलिए समझाना, इसमें थोड़ा सा काम था, बस हो गया। एक सवाल और देख लेते हैं, बस चलते हैं इसके बाद। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुमित है, ओके, कोई व्यक्ति सुमित है, ठीक है, इनकी जो लेफ्ट से पोजीशन है, लेफ्ट से वो है आपकी 15वीं, और ये एक पंक्ति में खड़े हैं, और लेफ्ट से इनकी पोजीशन है 15वीं, और टोटल जो है टोटल उसमें 70 लोग हैं, 70 लोग हैं, तो हमें राइट से इनकी पोजीशन बता देनी है। तो हम कहते क्या है, टोटल में हम क्या करते हैं, टोटल में हम एक जोड़ते हैं, 70 + 1, टोटल में हम एक जोड़ते हैं, क्या करते हैं, टोटल में हम एक जोड़ते हैं और दी हुई पोजीशन से घटा देते हैं, तो हमें जो उन्होंने पूछा है वो पोजीशन हमें मिल जाती है, 70 × 71 - 15। ओके, यानी कि राइट से पोजीशन उसकी 56वीं हो जाएगी। तो आपकी क्लास आज ये वाला कॉन्सेप्ट होता है एकदम से समाप्त, लेकिन आगे जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम शिफ्टिंग का, यानी कि स्थानांतरण का। ओके, खिसकाना, एक को इधर से खिसकाया, दूसरे को इधर से खिसकाया, वो वाला कॉन्सेप्ट हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको ये क्लास कैसे लगी ये जरूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।